खबर रखी है। लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नतीजों से पहले भाजपा गठबंधन का मंथन शुरू हो गया है। भाजपा दफ्तर पर धर्मेंद्र प्रधान और संजय निषाद की बैठक है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर, भाजपा दफ्तर पर जहां तमाम बड़े नेताओं की बैठक चल रही है, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में मौजूद हैं, जहां आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। और अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, क्या है बड़ा एजेंडा इस बैठक का? और अब तकरीबन एक घंटे ही बचे हुए हैं, वोटिंग है। इससे पहले बीजेपी मुख्यालय जो है लखनऊ में, वहीं पर ये बैठक हो रही, जिसमें जो केंद्रीय मंत्री यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान वो मौजूद हैं। इसके अलावा उनके जो सहयोगी है डॉक्टर संजय निषाद, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। महामंत्री संगठन संदीप बंसल भी है और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर बैठक में आए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, चूंकि सातवें चरण में पूर्वांचल में वोटिंग हो रही है, सबके अपने दावे हैं, समाजवादी पार्टी का अपना दावा है, निषाद अपना दावा कर रहे हैं, तो उन्हीं सारी चीजों की समीक्षा हो रही है कि किस तरीके से 54 सीटों पर क्या स्थिति रहेगी। कुछ जगहों पर वोटिंग परसेंटेज भी काफी कम है। इन सारी चीजों को लेकर ही ये बातचीत हो रही है। और देखिए, अब तो काफी 3 दिन ही बचे हैं आज इस काउंट, वोटिंग जब हो जाएगी तो काउंटिंग है। और अब बीजेपी अपनी रणनीति और किस तरीके से समीक्षा कर रही है, इससे पहले कल भी लखनऊ में जो पार्टी के बड़े लोग हैं, खासतौर से जो चुनाव प्रबंधन में जुटे रहे, उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष, ये सारे लोग मौजूद रहे और उन्होंने उस पर चर्चा की है। आज ये बैठक हो रही, तो जाहिर सी बात है जो फीडबैक बीजेपी को मिला है, उनके जो अपने इंटरनल सर्वे हैं, उन सारी चीजों के आधार पर ही आगे की अब बातचीत हो रही है, आगे की चीजों को लेकर। ठीक, शुक्रिया अनुभव इस पूरी जानकारी के लिए। तो जल्द ही वोटिंग